खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतिम चरण की वोटिंग जारी, अब तक 12.54% मतदान। वर्धा के सेना डिपो में धमाका, 6 की मौत। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने किया सरेंडर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी। दूसरे चरण में प्रदेश के चारों संभागों के 19 जिलों की 72 सीटों पर वोट डाले गए। दूसरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1,00,000 से अधिक जवानों ने मोर्चा स्तंभ रखा। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित पुलगांव आर्मी डिपो में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की पूरी जानकारी मिलनी अभी बाकी है। खबर मिली है कि यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पुराने बमों को नष्ट किया जा रहा था, इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। बिहार की पूर्व समाज कल्याण मुख्यमंत्री वर्मा ने सरेंडर कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार खाक छान रही थी। पूर्व समाज कल्याण मंत्री की गिरफ्तारी से पहले कोर्ट ने उनके आवास की कुर्सी जब्त की। उन्होंने मंझोल कोर्ट में सरेंडर किया। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।